ये रणनीति क्या है इस बार जो चुनाव है, हम चुनाव के मुहैने पे खड़े हैं, आपने मुझे एक मैसेज दिया कि हम इस बार चुनाव में उतर रहे हैं और अपनी सरकार बनाने का एक संकल्प लेके उतर रहे हैं, तो उसकी आपकी रणनीति क्या है, आज हम उस पर बात करना चाहते हैं। देखिए, इस समय इन्होंने चुनाव को एक छलावा कर दिया है। चुनाव में अच्छे कैंडिडेट को टिकट नहीं देते हैं, राइट? चुनाव जीतने की स्ट्रेटेजी को हम यदि 1-2-3-4 में कहें तो हम उसको 1-2-3-4 में कहना चाहेंगे। नंबर वन, आपने प्रिंट मीडिया को अपने कब्जे में कर लिया है। बिल्कुल सही। आपने जो है ना डिजिटल मीडिया को भी अपने कब्जे में कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया फ्री है। सोशल मीडिया भी फ्री नहीं है भाई साहब, आप कहाँ हैं रविंद्र जी? ये क्या करते हैं, इन्होंने स्काउट्स लगा के रखे हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो उनके सीईओ होते हैं उनकी हंट करती हैं, क्योंकि सीईओ जो है ना ब्रेन होता है जो कंपनी को चलाता है। तो ऐसे ही ये जो राजनेता हैं, इन्होंने एक अपनी आईटी सेल बनाई हुई है जिसका काम है कि वो ये देखता है कौन सा सोशल मीडिया वाला है जो कि बहुत अच्छी ब्योर से पाली है, इसके बाद उसको ऑफर आते हैं, उसको अपने पेरोल पे आता है। अब आप अधिकांश सोशल मीडिया, मतलब कुछ को छोड़ लीजिए, और जो जिनको छोड़ दीजिए वो उनकी जो है ना व्यूअरशिप 100, 50, 150, 200 में रहती है, क्योंकि उनको व्यूअरशिप को सबड्यू करने के लिए सत्ता में बैठे लोग इनफॉर्मल जो है ना प्रेशर यूट्यूब से लेकर हर चीज पे डाल रहे हैं। इस समय यूट्यूब और व्हाट्सएप एटसेट्रा भी राजनीतिक दखल से मुक्त नहीं है। तो जो इनके पेरोल पे आ गया वो इनके गाना गा रहा है, राइट? जो इनके पेरोल पे नहीं आया उसको ये कुंठित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या नीति है वो बताइए। आप कभी सोशल मीडिया की व्याख्या में जाते हैं, कभी संविधान की व्याख्या में जा रहे हैं। मैं जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ उस मुद्दे पे आप बात ही नहीं कर रहे हैं। बात ये है, आप इस चुनाव में क्या करने वाले हैं? एक मिनट, मैं जो क्या करने वाला हूं उसका आधार है, उस पे आई है। नहीं नहीं, उसका थोड़ा सा आधार समझेंगे तो समझ में आएगा आपको। सर, एक मिनट, आधार की जगह क्या उसमें एक लंबा स्पीच हो रहा है? नहीं नहीं, एक मिनट में वो आधार खत्म हो जाए, मुझे उसको कह लेने दीजिए, क्योंकि उसे रिकॉर्ड पे आना बहुत जरूरी है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, फिर इन्होंने पेड सर्वे निकाले हैं, पैसे देके अपने माफिक सर्वे कराते हैं, भले अच्छे पाई डायग्राम बनाते हैं, अच्छे ढंग से बनाते हैं, और फिर उसको प्रचारित करके उस फेक सर्वे को ही असली सर्वे में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर जिसने सर्वे किया उसकी पीठ थपथपाते हैं, वाह कितना अच्छा सर्वे हुआ है, और उसको करोड़ों रुपए दे देते हैं, उसको हीरो भी बना देते हैं, राइट? फिर ये आम सभाएं करते हैं, तो आम सभाएं कैसी होती है हम आपको मालूम है, 500 रुपए जो है ना उसको मिलते हैं, आने जाने का साधन मिलता है, लंच डिनर की व्यवस्था। आप अपनी रणनीति बताइए, आप अपनी रणनीति बताइए। नहीं नहीं नहीं, ये सब चीजें जो आप बता रहे हैं ये जनता भोग रही है, तभी परिवर्तन चाहती है। आप ये सब जनता को पता है, कोई नई चीज आपने नहीं बताई। एक मिनट में कह लेने दीजिए। आई वांट टू ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड एंड आई विल नॉट टेक मच ऑफ द टाइम। इट इज ए बैकग्राउंड सेटिंग। मैं आपको निवेदन करता हूं कि ये बैकग्राउंड सेटिंग है, मुझे इस बैकग्राउंड से। सर क्या है, हमारे पास 10-12 मिनट, इसलिए एक मिनट में हमारा इंटरव्यू 10-12 मिनट का होता है, यदि हम इस संदर्भ में पूरा निकाल देंगे तो आप इसको कट कर देना। नहीं नहीं, लेकिन आपसे जिस मुद्दे पे हम बात करने आए हैं, एक सेकंड, मुझे आई विल टेक ए मिनट ओनली। वो बैकग्राउंड बहुत जरूरी है जी, बताइए। तो आपको उससे हमारी रणनीति निकल के वहीं से आ रही है ना जी, जी। आप हमारी रणनीति को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे यदि हम ये बात नहीं कहेंगे तो, राइट? तो आम सभाएं ऐसी कर रहे हैं ये, फिर जो है फ्री भी बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं। आपने ध्यान करिए, मैं बार बार कह रहा था मैं एक सॉफ्टवेयर लाने वाला हूँ, वो इलेक्शन कमीशन ले आया है, एग्जैक्टली द सेम सॉफ्टवेयर। हम इफ यू रिकॉल, हम उसमें बार बार कहते थे कि अब ये दारू पैसा बांटेंगे तो हम रिकॉर्ड करेंगे और सत्ता बनाते ही इनको जेल डालेंगे, ये भी हमने कहा था उसमें। यदि आप हमारे पुराने वीडियो देखें तो हमने बार बार एक सॉफ्टवेयर का हवाला किया है, वो सी विजिल सॉफ्टवेयर वही सॉफ्टवेयर है, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने किन किन प्रकार जीत गए आप, फिर जो जीता हुआ प्रतिनिधि है वो आपका प्रतिनिधि है क्या? मेरे नजर में वो इन पार्टियों का बंधुआ मजदूर है, जो ना मुंह खोल सकता है, उसकी औकात जीरो है, ना वो अपने लिए तो थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार करके थोड़ा सेवा कर लेगा, लेकिन ना वो समाज की सेवा कर सकता है, ना वो देश की सेवा कर सकता है। नाउ दिस इज द बैकग्राउंड, वेरी इंपॉर्टेंट, कि देयर इज नो डेमोक्रेसी। इस पार्टी तंत्र ने डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है, पार्टी व्हिप के तहत। जिस संविधान में पार्टी का उल्लेख नहीं है, वो पार्टी इतनी महान हो गई है, और उस पार्टी को बनाने का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है ना इलेक्शन कमीशन अपना चला रहा है। हमें सोचिए कितना बड़ा डावा नाटक हो रहा है। तो अब ये बहुत जरूरी था। नाउ आई विल कम टू योर क्वेश्चन कि हमारी रणनीति क्या है। तो हमारी रणनीति ये है कि 21 लक्ष्यों के साथ